हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रियल ब्लॉग बाय शिल्पी ली सिंह। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैं अपने सोफ़े को कैसे क्लीन करती हूं, और इस तरीके से मैं अपने सोफ़े को साल में एक बार ही क्लीन करती हूं, वंस इन अ ईयर। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक नाइफ़ लेती हूं, और ज़्यादा शार्प नहीं है ये नाइफ़, इससे हमारा सोफ़े का फैब्रिक कट नहीं होगा। और ये फैब्रिक सोफ़ा है, कपड़े वाला कवर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर कपड़े का। तो और इसका फैब्रिक कुछ ऐसा है कि नाइफ से अगर मैं ऐसे करती हूँ तो इसको कोई भी हार्म नहीं होता है। तो इस तरीके के जिनके पास सोफ़े हैं वही इस टेक्निक को यूज़ करें, जिनके सोफ़े सॉफ्ट मटेरियल के हैं वो लोग इस टेक्निक को यूज़ ना करें प्लीज़। तो इस तरीके से मैं इसमें से जो भी डस्ट होती है वो सारी डस्ट निकल जाती है, और इसको नाइफ से मैं काफ़ी प्रेशर लगा के इस तरीके से 2-3 बार चला देती हूँ तो सारी डस्ट इसकी ऐसे करके यहाँ से निकल जाती है, और कपड़ा हमारा बिल्कुल भी कट नहीं होगा यहाँ पर। और फैब्रिक इसका काफ़ी थिक होता है तो ऐसे कट नहीं होता है, और इस तरीके के फैब्रिक के लिए ये टेक्निक सही होती है। और आप देख सकते हैं नीचे कितनी डस्ट इसमें से निकली है। तो इसको मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने पूरा ऐसे ही क्लीन कर लिया है यहाँ पे, तो जो भी इसमें डस्ट थी वो सब ऐसे निकल जाएगी। और पूरा इसको मैं आगे पीछे सब जगह से जहाँ भी मुझे डस्ट दिखाई दे रही है, थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, तो वहाँ पर मैं नाइफ़ को ऐसे करके चला रही हूँ और ये इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ मैं इसको। तो ये साल में एक ही बार करती हूँ मैं प्रोसेस, जिससे ये ज़्यादा ख़राब भी ना हो और कहीं पर नाइफ़ ना लगे, इसलिए थोड़ा तरीके से करना होता है। ज़्यादा भी तेज़ से कर दूँगी तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और दूसरी जगह पे देखिए मैंने साफ़ करके देखा है तो यहाँ कोई डस्ट नहीं है, तो यहाँ पे डस्ट निकलेगी ही नहीं। तो अभी मैं कितनी देर से इसको ये प्रोसेस यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई डस्ट नहीं निकल रही है क्योंकि यहाँ पर क्लीन है ये सरफेस, तो यहाँ पर कोई डस्ट नहीं आई है नाइफ़ के ऊपर। तो जहाँ डस्ट होती है वही निकलती है, और डस्ट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कोई डस्ट नहीं निकलेगी। तो आप देख लीजिए जहाँ पर भी डस्ट है बस वहीं वहीं डस्ट निकल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा था तो मैंने इसको यहाँ पर क्लीन कर दिया है। तो एल शेप सोफ़ा है तो इस सोफ़े पर लोग ज़्यादा बैठते हैं, और तो यहाँ पर सोफ़े को अभी मैं वाटर से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर ये क्लीनर है डेज़लो का, तो इसकी मैं 6 से 7 बूंदें ही यहाँ पर इसमें डालूँगी, 1 लीटर के करीब पानी होगा हमारा, और इसमें अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर सोफ़े पे फोम जैसा आने लगता है और फिर हमारा सोफ़ा अलग कलर का हो जाता है। और इस तरीके का मैं यहाँ पर ब्रश ले रही हूँ, ब्रश से बहुत हल्के हाथों से ही मैं इसको क्लीन करूँगी, जिससे अंदर की सरफेस में पानी ज़्यादा ना जाए और सोफ़ा हमारा जल्दी से क्लीन सूख भी जाए और ज़्यादा पानी ना रहे। तो मैं इसको पूरा ही क्लीन करूँगी, अगर आप आधे आधे में ऐसे क्लीन करेंगे ना तो वहाँ पर एक मार्क जैसा बन जाएगा कि इतने में आपका क्लीन हुआ है और इतने में नहीं हुआ है। तो इसको जब भी क्लीन करें आप, सोफ़े की क्लीनिंग पूरी करें तो ज़्यादा सही रहता है, और अगर आप हाफ़ में क्लीन करेंगे और हाफ़ में नहीं करेंगे तो वो एक अलग सा मार्क बन जाता है। तो मैं जब भी सोफ़े को क्लीन करती हूँ 6 मंथ में या 3 मंथ्स में तो इस तरीके से कर देती हूँ, और नाइफ़ से केवल मैं एक ही बार क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा भिगो लेती हूँ पानी में, और हमारा सोफ़ा इससे काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं ये प्रोसेस करती हूँ, और इस पर जो भी थोड़ी बहुत गंदगी है तो वो निकल जाएगी, और जहाँ पर भी मैंने डस्ट वाला पार्ट क्लीन किया था तो वो डस्ट ऊपर से जो भी आ गई थी तो वो डस्ट इससे सारी निकल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं सोफ़े को मैंने पूरा क्लीन कर दिया है यहाँ पानी से, और अभी मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है तो इसको थोड़ी देर सूखने के लिए दूँगी मैं, तो ये 3 से 4 घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो सोफ़ा हमारा यहाँ पर ड्राई हो गया है, और आप देख सकते हैं सोफ़ा हमारा अच्छे से यहाँ पे क्लीन हो गया है, और ये थोड़ा सा अभी ड्राई नहीं हुआ है ये सरफेस, तो वो थोड़ा अलग दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी हद तक सोफ़ा हमारा क्लीन हो गया है, और तो सोफ़े को मैंने सेट कर दिया है और काफ़ी क्लीन दिख रहा है। ये साइड का सरफेस काफ़ी गंदा हो गया था, यहाँ बच्चों ने काफ़ी सारे मार्क लगा दिए थे, तो वो सब क्लीन हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।